हाँ सुंदर लग रहा था, रख दे। जिस कारीगर ने इसको बनाया है उसके हाथ कितने घिसे होंगे इसको घिसते घिसते। हेलो छोड़ दे कुत्तों को, मेरे को भी ऐसा कुत्ता ले दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल के लिए ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट आज घर पर ही, क्योंकि कल का रात का बहुत सारा खाना बनाया था, बचा हुआ है मैंने, और मैंने इतनी मेहनत से कुकिंग करी थी तो मुझे लगा खत्म करना ही चाहिए उसको, नहीं तो फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा। साथ में हम देख रहे हैं मिल्खा सिंह मूवी, देखी हुई वैसे, दोबारा देखने मन कर गया था देखने का। और अभी हम जा रहे हैं मैसेडन, तो क्यों जा रहे हैं वो मेरे बाल बताए। ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पे ऑटम, जैसे ऑटम चल रहा है ना अभी यहाँ पे, जो अर्ली विंटर्स होती हैं, तो अभी वो जो कुछ लीव्स वीव्स जो ऑरेंज रेड कलर की हो जाती हैं वहाँ पे अच्छा दिखेगा। वो तो सब छोड़ो, तुमने ये जोड़ा कर क्या खोल रखा है यहाँ पे? पहले मैंने सोचा इसके साथ ये पहन लेती हूँ, पर वो गंदे भी हो रहे थे और मैच भी नहीं कर रहे थे इसके साथ, फिर मैंने ये वाले निकाल लिए। और वो चप्पल तो शूज से पहले थी, वो चप्पल आपकी शूज से पहले पहनने के लिए थी और ये शूज आपने पहने हैं, तो फिर इसमें तीन, पांच में से तीन तुम्हारे हैं। मैं बस अब ये डालने वाला हूँ, वो चप्पल मैं साइड कर दूंगा, बाकी तुम तीन अपना समेटो इसको। चप्पलें तो तुम ही समेटो। चप्पलें तो क्या, बुरा किचन का देखो कितना बुरा हाल कर रखा है। मैंने किया मतलब, पर समेटना मुझे पड़ेगा। चलो मिलते हैं, अब इसके बाद निकलते हैं और फिर वहाँ पे दिखाते हैं, बहुत सुंदर स्ट्रीट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको पता है देखा ना, पूर्वा भी गई थी ना पिछली बार। अच्छा, बहुत थुंदर तो थुंदर वहाँ जाकर दिखाई होगा। मैंने देखा था उसकी फोटो, ऐसे गोल गोल बीच में पानी था और बीच में पत्थर थे गोल गोल, उसके ऊपर खड़ी होकर फोटो खींचाई। चलो तुमने उसको पहले मैसेज करो, उसको पूछो वो कौन सी लोकेशन है एग्जैक्ट। मैं खाना खा लूं, आप करके पूछ लो, और एक काम कर दो मेरे लिए प्लीज। कोल्ड ड्रिंक नहीं ला के देने वाला? नहीं नहीं, इतना सा ग्लास दूध बना लो ठंडे वाला। तो अभी तुमसे पूछा मैंने, जस्ट अभी मैंने कहा दूध पीना तुमने। अब बंद करो दूध पीने का, इसी अपने ग्लास में बना, बना रहा हूं अपने में बना रहा हूं। दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं घर से बाहर, वेदर हो रहा है कुछ ऐसा, धूप निकली हुई है मस्त मस्त सी। चले भाभी निकली हुई है दोस्तों, इसको मैं कम से कम दो घंटे, मुझे ना आपको ना मेरे सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरे को आपको एक चीज दिखानी है। यहाँ से इनकी डॉगी देखो कितने वो है, हैवी है, कुछ नहीं कर रही है, बातें चेंज कर रही है दोस्तों। नहीं 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 सच्ची सच्ची बंद नहीं दोस्तों, ये देखो इसकी डॉगी जो है वो कितने हेल्दी है और कितने, नजर लगा दे कुत्तों पे उनके, नहीं मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ्लफी फ्लफी से। और ये बालों वाले हैं देखो कैसे ठुमक ठुमक के जा रहे हैं, दो भाई बहन लग रहे हैं मुझे तो। हेलो हेलो छोड़ दे कुत्तों को, मेरे को भी ऐसा कुत्ता ले दो, इंडिया जाके लेके दोगे? चल 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 चल, पहले मेरे से प्रॉमिस करो, बैठ तो सही, पहले प्रॉमिस करो। अबे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, अब इंडिया नहीं जा रहे, पहले प्रॉमिस तो करो इंडिया जाके लेके दोगे? आज जब इंडिया जाएंगे ले दूंगा डॉगी, यार दोस्त का, हाँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम छुट्टी के लिए जाएंगे ना यार। माँ भी ऐसे ना कर, छुट्टी के लिए जाएंगे ना, छुट्टी पे तो जाएंगे, छुट्टी अरे छुट्टी पे तो जाएंगे इंडिया। हाँ तो मैं कुछ कुछ कह रही हूँ। हाँ तो फिर छुट्टी पे ले दूंगा तेरे को, थोड़े दिन रख लियो अपने पास। चलो जी क्या खाना है? मुंह की टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, गर्मी सी लग रही है मेरे को तो। आए हाय दोस्तों क्या बताऊं, ऐसे रजाई के अंदर से इसको उठा के लेके आऊं ना, इतनी मोटी रजाई लेके लेटी पड़ी थी। आप ही ने बोला था परसों मोटी वाली रजाई ले आ, ठंड लग रही है। परसों ठंड थी, अब कल ठंड तो नहीं थी, वही पड़ी हुई थी बेड में, वही लेके लेटी थी। अब उसके बाद सुबह क्यों लेके बैठी हो तुम? अब इतने दिन दोपहर है, आप ही तो अपनी मर्जी चलाते हो, जब आपको ठंड लगती है कहते हो मोटी रजाई ले आ, मैं भी तो उस मोटी रजाई में सोती हूं ना। अब मेरा मन कर रहा था मोटी रजाई में सोने को, मैं सोऊंगी, आपको तो नहीं सुलाया ना दिन में धूप में। व्हाटएवर इट इज माय चॉइस, योर चॉइस, योर चॉइस इज योर चॉइस, एंड वन मोर चॉइस, आई वांट डोगी। अच्छा ठीक है चल, वो छोटे वाले नहीं होते जो पोमेरियन, हाँ पोमेरियन, हाँ वो वाले जो संभावना सेठ के पास है, पोमेरियन जो छोटे बिल्कुल छोटे ही रहते हैं। संभावना सेठ वो तो पागल है, उसके बाद तुम अगर वो पागल हो सकते कुत्ते रखने में, तुम्हारा क्या हाल होगा पता नहीं चला, पता नहीं मुझे क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा भी। तो डोगी के लिए तो हर कोई पागल होता है। अरे वो तो वैसे ही पागल वो तो वैसे ही पागल है। नहीं ऐसे मत बोलो, ओ दिल पे चोट लग रही है इसकी, ओ माय गॉड, मेरी फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में ऐसे नहीं सुन सकती। ओहो माय गॉड, अगर आप मेरे पति हो तो वो मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्तों के बारे में अपने पति से भी ऐसे नहीं सुन सकती। दोस्त अपनी जगह होते हैं, पति अपनी जगह होता है। मेरे दोस्तों के आगे मेरे मुँह पे तो कुछ मत बोलना, मेरे पीछे से बोल लो बेशक, पर मैं मुँह पे नहीं सुनूंगी कुछ अपने। पागल को पागल, सामने वाली पागल कैसे लगेगी? दोनों की ट्यूनिंग तो मैच होती है आपस में। कॉफी पिलाओ जाके, नींद आ रही है मेरे को। मेरे को ना सुबह 11 बजे का हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था दोस्तों, कब मैं बोल रही हूँ ले चो ले चो, नहीं भाग, वो भागम भाग, सॉरी भागम भाग, मिल्खा
मिल्खा वाली वो देख रहे हैं मिल्खा बाग मूवी देख रहा है कब से बताओ अब मेरे को बैठे बैठे आ गई नींद ये शॉट नहीं पीती मैं कॉफी का पता नहीं कौन सा शॉट है ये कैफीन का शॉट मेरे को कॉफी पिलाओ और वो भी मैकस वाली मैकस नहीं पिला रहा था किसी अच्छे कैफे की पिलाऊंगा यार कैफे की मैंने नहीं पीनी उस दिन पिलाई थी ना वापस रिटर्न करवाने पड़ी बेकार थी अब तेरे को किसी और अच्छे कैफे नहीं मैंने मैकस कटलरी में बैठ के ऊपर ऐसे हर्ट बना हुआ वो वैसे वाली कॉफी पिलाऊंगा अब तक जाते थे थोड़ी कॉफी वाली जगह भी हो जाएगी ना अभी तो मस्त पेल रहा था खाना अच्छा भाभी सुनो तो वो जो छोटे वाले पॉकेट साइज डॉगी होते हैं ना मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आपको मेरे को अभी सरप्राइज देना हो ना तो आप मेरे को दे सकते हो ना मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर मेरे को आइडिया हो जाएगा कि आप मुझे कल सरप्राइज देने वाले हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ वो जो पॉकेट साइज डॉगी होते हैं ना व्हाइट कलर का जो मतलब पर्स में आ जाता है वो वाला देना जिसका साइज बड़ा नहीं होता मतलब जो छोटा ही रहता है जब तुम्हें सरप्राइज देना होगा ना तो टेंशन ना लो मेरे पास बहुत सारी चीजें तुम्हें सरप्राइज देने की इसके साथ तो बात करना ही बेकार है इसके साथ तो आपके साथ भी मेरे को कॉफी का बहुत मन कर रहा है तो आपके साथ भी कभी करेंगे दोस्तों कॉफी इन इंडिया मतलब कॉफी विद करण होता ना तो कॉफी इन इंडिया करेंगे हम जरूर जल्दी से जल्दी आपके साथ तो मैं आपको लोकेशन बता दूंगी कि कहाँ हम मिलने वाले हैं और कौन कौन आ रहा है आप सब बताना मुझे और वो जल्दी करेंगे जहाँ पे सिर्फ घूम फिर के वो भी हम दोनों की कॉफी हो जाएगी आपको कहने का क्या मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या बोल रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है नहीं वो जरूरी कॉफी पीने आएंगे वो तो कुछ और खाने पीने आ सकते हैं ना हाँ तो जरूर आए आप उनको जो अच्छा लगता है हम वो खिलाएंगे इतना सपोर्ट करते हैं प्यार करते हैं वो हम जरूर कॉफी इन इंडिया करेंगे दोस्तों मिलते हैं कॉफी पे देखो यहाँ पर कितना रश है गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं साइडों में और इतनी दुनिया देखने आई इतनी जनता देखने आई है ये देखो आगे भी इतना रश है मैं आपको दिखाती हूँ लंबी दूर तो गाड़ी खड़ी है कोई रास्ता नहीं जाने का पैदल चल के जाना पड़ेगा फिर हम है ना चलो कोई नहीं पैदल चलते हैं दोस्तों देखो ऑटम जैसे सीजन में ये जो लीव्स हैं वो कौन से कलर के हो गए हैं और नीचे गिरे पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे अभी ऑटम सीजन चल रहा है और इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर ये कोई फॉरेस्ट एरिया है नाम तो पता नहीं क्या है पर यहाँ पे इतने लोग आए हैं रश देखकर हम रुक गए थे यहाँ पे हमने सोचा हम भी देखो ये फोटो करवा रहे हैं कैमरा से अपने बच्चे की शायद बाबीरा बहुत अच्छा जगह है मेरी यहाँ पे एक आधी अच्छा जगह एक आधी फोटोज वगैरह खींच दो ये सब लोग जो है फोटोज करा रहे हैं हम बाहर ही बन गए हैं देखो ये भी फोटोज करा रहे हैं ये देखो दोस्तों यहाँ पे सफाइयाँ करने आई है ये क्या कर रही है फिर क्या कंटेंट देख रही है पत्तों को उड़ाने की क्या कंटेंट होता है भाई अच्छा पर जो मर्जी घर है व्यू बहुत सुंदर है ये मेरा घर है जो मैंने तुमसे आज तक छुपा के रखा था जो तुमसे मैंने आज तक छुपा के रखा है मेरी बात तो सुन ले वो मैं कह रहा हूँ वो मेरा घर है जो मैंने आज तक तुमसे छुपा के रखा है तो इसमें मेरा कौन सा घाटा है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जानता अब तो मेरी शादी हो गई जो आपका वो मेरा मेरा घर है वो अब आपका नहीं रह गया अब वो मेरा भी हो गया अब वो मस्त घर है जो मर्जी कह लो दोस्तों वो व्हाइट वाला जो है ना घर वो किसी का है लंबा मतलब बहुत अच्छा एरिया यहाँ से पत्तों साइडों में पत्ते गिरे हुए पेड़ है यार मस्त हांड रहा है यहाँ पे गाड़ी लेके पहले गया था वापस आ रहा है सारी ग्रीनरी है ग्राउंड जैसा बहुत अच्छा है चल जल्दी उड़ा दोस्तों आप देख रहे हो मेरे आस पास घूम के चारों ओर यहाँ लोग आए हैं ये ऑनर एवेन्यू जगह है ब्यूटी को देखकर फोटो खींचने में लगा ये नहीं कि इस चीज को फील करो इस जगह को मतलब तुम क्या कर रही हो अपना जो सुख चैन है वो छोड़कर यहाँ दुनियादारी में दिखावे में लगे तुम क्या कर रही हो फोटो खींच रहे हैं व्हाट्सएप पे डालेंगे फेसबुक पे डालेंगे स्टोरी पे डालेंगे और तुम यूट्यूब पे डालोगी तुम यूट्यूब पे डालोगी मैं तो चलो दिस इज माय वर्क ना मेरी रोजी रोटी है ये मैं तो चलो क्रिएटर हूं बट बाकी दुनिया मतलब दिखावा कितना दिखावा है ना आजकल की दुनिया मतलब साडा कुत्ता कुत्ता तोडा कुत्ता टॉमी है अब हमें भी उस तरह बनना पड़ रहा है अगर हम बनेंगे नहीं तो दुनिया की रेस पे पीछे रह जाएंगे तो इट इज व्हाट इट इज हैरी तुम तो एक स्टेप और आगे बढ़ के हो ना तुम यूट्यूब वाली हो जो नॉर्मल इंसान है वो कितना दुनियादारी को दिखावे चल 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 एंजॉय कर चल बस बस बहुत हो गया तेरा दोस्तों इसने मुझे बोलने नहीं दिया मैं ये कहने वाली थी कि कलयुग आ गया फोटो देखो दोस्तों मस्त है ये कि नहीं दिखाना वाओ मेरे को टैग कर देना क्यों करूं टैग तेरे को बड़ी सैनी है दोस्तों देखो ये फोटोग्राफर्स हैं चल खुद एक ये फोटोग्राफर है एक ये दिखाना चाहती हूँ मैं ये देखो मतलब किस किस एंगल से फोटो ले रहे हैं लोग ये देखो ये फोटो में बिजी ये लोग फोटो में बिजी फोन में बिजी सही में कितनी जनता है वो देखो ये भी मेरे जैसा पोज कर रही है जैसे मैंने ऊपर गिरा के किया था ना पत्ते ऊपर गिरा के अरे ये कॉपी करते हैं मेरे को सब वाओ व्हाट अ पोज व्हाट अ पोज ये देखो कैमरे से खींच रहे हैं तो कैमरे से खींच ये देखो कैमरे से खींच रहे हैं इतना बड़ा कैमरा तुम्हारे फोन में कैमरा इनके पास भी कैमरा है मैं ब्लॉगर सिर्फ मेरे पास ही कैमरा नहीं है
कुछ कहना चाहोगे इस बात? कुछ नहीं, अभी किसी को बोला था फोटो खींचने के लिए, पर उसने फोटो देखो क्या खींची है हमारी। आप तो अभी यहाँ ऊपर पूरे 5 मिनट लगाए मैंने फोटो खींचने में, हमें लगा कि शायद 3-4 पोज ले रहे होंगे, पहले फोटो आगे करी। अरे वो एक ही तरह कमाल की पोज उसने बनाया, एक ही नेक्स्ट लेवल का, हमें जरूरत ही नहीं उसके बाद किसी फोटो, सिर्फ वो पेड़ आ रहा है उस फोटो को बड़ा कराते हैं और सारे घरों में दे देते हैं, करनाल भी पानी भर भी। चल सेल्फी ले ले यहाँ पे और निकले। दोस्तों ये ब्लैक वाली पूरी जो आउटफिट में दिख रही है ना आपको, ये इंसान है जिन्होंने हमारी फोटो ली है। दोस्तों हम नए पार्क में आए हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट ग्लेड गार्डन, और यहाँ पर फाउंटेन्स भी हैं आगे जाकर, और बंदे बैठे हुए हैं ऐसे, और ये पूरा इसका एंट्री कार्ड है, यहाँ से हमने एंट्री करी है और हम इस तरफ जा रहे हैं। आगे हमें फाउंटेन दिखेगी, डेफोडिल, मीडो दिखेगा, ब्रिज दिखेगा, ग्रोटो भी है यहाँ पर कहीं पर आगे जाकर। सो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं गार्डन में। वुड यू लाइक टू गो एंड जॉइन देम? आई कांट जॉइन देम, दे आर द वंस हू मेड दिस गार्डन। ओह हेलो मिस्टर, इनके बारे में लिखा हुआ है। कर ले वो तो खा थोड़ा जाएगा। हंट्समैन एंड डॉग। हां हंट्समैन के पास भी डॉग है, मेरे पास ही नहीं है। इतने साइज का डॉग रखेगी तू? सबसे ज्यादा भागेगी तू ऐसे? हाँ हाँ, नकली नकली कोई कर सकती है तू ऐसे? बस नकली कोई, पहले तो छोटा ही होएगा, बाद में बड़ा होएगा ना। हाँ तो जब बड़ा होएगा तब छोड़ देगी? अच्छा औलाद को तेरी ऐसे की तैसी। हाँ हाँ हाँ, चल चल चल, अभी जितने तू स्टाइल से नीचे उतर रही है ना, ऊपर आते तूने कहना हाय बे भाई कहाँ ले आए मेरे को। ये भी तो गार्डन है कोई, देखिए कौन सा है। ओए वाह, ये राइट साइड में है, ये ब्लू बेल मीडो है। इधर चल, इधर से आ, इधर से आ, आग निकलेगी मुंह से। सुंदर है ना, बस कर देना वही काम। अरे वो उसकी ओरिजिनल ब्यूटी को छुपा रहा है। क्या ओरिजिनल ब्यूटी? वो अच्छा लग रहा था उसके ऊपर, किसी बच्चे ने हरकत करी है तू उठा के रख। अब तूने बच्चों लिए हरकत करी है जो। अरे वो उसकी सुंदरता को छुपा रहा है, उसके हाथ में ऑलरेडी एक फूल है मिट्टी का जिसने बनाया है। अगर अगर खुद सुंदर लग सकते किसी और को तो लगने दे। लाइन मारूं तो 100 गिर जाएंगे यहाँ पे। लाइन मारने पे मार, बिना लाइन मारे भी मार, आँख मारने मार, आँख मार। इको ही सलाह थानू मोहतरमा, हाथ बने ऐडा वड्डा वहम ना पाड़ो। वो तो सिर्फ मेरी शादी हो गई है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। मैं किसी के घर की बहू हूँ, मेरे को ये काम शोभा नहीं देते, इसलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात, बहुत किए मैंने कुंवारेपन में। कौन से कुंवारेपन में काम किया? छोड़ दिया मैंने वो काम। कौन से काम, कौन से काम, कौन से काम? वो भी तेरे को लुक देके गया पीछे वाला बंदा, सुंदर नहीं रख। तूने जैसे ही बोला ना कि ऐसे ऐसे मैं मारूंगा सब गिर जाएंगे, वो पिछल तक लुक देखे गया। वो कह रहा है ना नंबर, ऐसे नहीं कह रहा, वो ऐसे कह रहा था। हाँ सुंदर लग रहा था, रख दे। कारीगर ने इसको बनाया है, उसके हाथ कितने घिसे होंगे इसको घिसते घिसते, किसी ने इसकी सुंदरता को छुपा दी। तो यही बात, तुम बिना मेकअप के निकल जाया करो ना घर से बाहर, जिस कारीगर ने तुम्हें बनाया क्यों सुंदरता ऊपर करती हो अपनी। है मेरे कारीगर जो है ना वो भगवान है, आप भगवान का निष्कर्षता से निरादर कर रहे हो। चला चल चला, ज्यादा हो गया बोल के, कि जिसने कारीगर ने मुझे बनाया। चल चल, निष्कर्षता मुझे बनाया। हाँ तो तेरी माँ ने तेनू बनाया, माँ दी सुनाया कर तू। नाल नहीं मम्मा, वेख लो हुन तुहाडा पुत्र की कह रहे हैं। चल चल चल, तो मैं ये जगह बता रही थी, यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने करवाई थी फोटो, यहीं पर ही आना था मुझे, मैं भी करवाती हूँ सेम। हेलो वीडियो फोटोग्राफर वाले, वेडिंग फोटोग्राफर वाले बोझ नमना। थक गई हूँ ना, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पर, आप भी बैठ जाओ। ब्यूटीफुल पार्क, मुझे इसे प्यास लग रही है, पानी तो लाई नहीं हूँ। पानी नहीं लेके आए तो छोटी बच्ची है, ले पानी की बोतल लेके आऊँ मैं। प्यास तो किसी को भी लग सकती है। हाँ तो ले ठीक है, तो मेरे से क्यों पूछे पानी नहीं लाए? आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ बीवी को प्यास लगती है, बोतल साथ में लेके रखना। जिसके लिए ध्यान रखना है ना मैं रख लूंगा। जिसके लिए का क्या मतलब है? अरे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। बच्चों की बात? हाँ क्या ही कहें। दोस्तों हम ये मुझे दोस्तों कह रही थी बार बार गाड़ी इतनी दूर पार्क कर दी, गाड़ी इतनी दूर पार्क कर दी। इसको मैं कह रहा था ये नो स्टॉपिंग जोन है, हम उसके पास नहीं कर सकते। कर दिया। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये किसी कपूर संताली की गाड़ी है, पुलिस वालों ने फाइन छोड़ दिया इसकी गाड़ी के ऊपर, अब इसको भरना ही पड़ेगा। देख के गाड़ी आ रही, आगे देख के देख के नहीं भरेगा तो इसके केस का पर्चा घर पहुंचेगा। चल तेरे को सही कह रहा था ना मैं, गाड़ी यहाँ पास नहीं लगानी, थोड़ा पैदल चल ले। रिमाइंडर आएगा फिर उसके पास कोर्ट का नोटिस आएगा कि तुमने, हाँ 3 बारी से ज्यादा कि तुमने भरा क्यों नहीं है। अच्छा, और वो
फिर पुलिस उसके घर आ जाएगी। हाँ पक्का, और रिफाइन बढ़ के $1,000-1,200 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग तो करो। ऑन होंगे? हाँ ऑन होंगे। तो चल के पता चलो, करो ऑन।